आपको बता दें कि मथुरा स्थित बाबरी मस्जिद प्लान को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही तमाम खबरों को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी सख्त हैं। उन्होंने मथुरा प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि कोई भी अराजक तत्व लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ न करने पाए, जिसके चलते मथुरा के डीएम नवनीत सिंह चहल और एसएसपी गौरव ग्रोवर अपने अधीनस्थों के साथ साथ चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं, या यूं कहिए कि कल पुलिस को इंतजार रहेगा उन अराजक तत्वों का जो मथुरा के सौहार्द को तबाह करना चाहते हैं। यही कारण है कि मथुरा के ट्रैफिक प्लान को भी बदला गया है, जिसकी वजह से बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को ही नहीं बल्कि स्थानीय लोगों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए जरूरी ये है कि रूट प्लान को जाने बिना घर से बाहर ना निकलें, वरना दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। बहरहाल इतना तो साफ है कि अगर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ना किसी भी अराजक तत्व के लिए काफी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि 6 दिसंबर के बाद शुरू होगा सर्च अभियान, जिसमें तय किया जाएगा कि आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो प्रेम की नगरी मथुरा की फिजा को न सिर्फ बदलने बल्कि बर्बाद करने का ताना बाना बुन रहे हैं। मथुरा से समाचार सिटी 24 के लिए वैभव सिंह की रिपोर्ट।